या खबरों की ओर। नोएडा से बड़ी अपडेट, कल फूल मंडी के पास बदला रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन। कल सुबह 4 बजे से कई रास्ते बंद रहेंगे। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। 15 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। काउंटिंग सेंटर्स पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले, तमाम तरह की जो तैयारियां हैं, सुरक्षा के इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए काउंटिंग सेंटर्स पर। और मोबाइल नहीं ले जाने की जो अनुमति है वो दी गई कि कोई भी मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकता। एक शिफ्ट में 1000 पुलिसकर्मी काउंटिंग सेंटर्स पर तैनात रहेंगे। गौतम बुद्ध नगर सीट पर 53.66% मतदान हुआ है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अगर काउंटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो यहां पर काफी ज्यादा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी नोएडा की अगर हम बात कर रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर की, तो फूल मंडी के पास जो ट्रैफिक डायवर्जन है वो बदला रहेगा। इस पर और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव त्यागी जुड़े हुए हैं। शिव, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि कल मतगणना होनी है, जिसको लेकर अगर बात नोएडा के गौतम बुद्ध नगर की करें तो क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि फूल मंडी के पास जो ट्रैफिक डायवर्जन है वो देखने को मिलेगा। पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, डीसीपी हैं, जॉइंट सीपी हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पे निरीक्षण किया गया है, किस तरीके की व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरा कितना लगाए गए, कितने पुलिस कर्मियों की यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है और क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे की गई है, कितने चरणों में यहाँ पे मतगणना होनी है, कितनी टेबल्स लगाई गई है, इन सभी चीजों का निरीक्षण किया गया। जो यहाँ पे कमियां थी उनको सुधारने के लिए यहाँ पे जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। और इन सब क्योंकि सुचारू रूप से यहाँ पे मतगणना हो, तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके सामने ही यहाँ पे जो ईवीएम मशीन है या वेट पेपर्स हैं, तो तमाम जो जो फूल मंडी के अंदर रखे हुए हैं उन सभी को यहाँ पे निकाला जाएगा। और 15 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी भाग्य का फैसला कल यहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में अगर बात करें तो डॉक्टर महेश शर्मा हैं, जो कि वर्तमान में सांसद भी हैं बीजेपी पार्टी से, और वो दोबारा यहाँ पे अब लड़ रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी से महेंद्र नागर हैं, जो कि अपना भाग्य यहाँ पे अजमाएंगे। और वहीं तीसरा अगर बात करें तो यहाँ पे राजेंद्र सोलंकी हैं, जो कि बसपा से टिकट लड़ रहे हैं। तो तीनों ही प्रत्याशी हैं जो कि कल जिनके भाग्य का फैसला होगा। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पे 3 शिफ्टों में पुलिसकर्मी लगाए गए। एक शिफ्ट में 1000 पुलिसकर्मी है, जिसमें यहाँ पे पीएससी के जवान हैं, नोएडा स्थानीय पुलिस है, वहीं अन्य पुलिस बल भी जो है यहाँ पे लगाया गया है। तो ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई है। पूरा जो फूल मंडी है जहाँ पे मतगणना होनी है, और उसको सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। तो ऐसे में किसी भी तरह की चूक ना हो, इसको लेकर लगातार जो जिलाधिकारी है या नोएडा पुलिस के अधिकारी है वो निरीक्षण कर रहे हैं अब, और आज शाम देर शाम तक भी निरीक्षण करेंगे किसी भी तरीके की अगर कोई गलती ना हो। तमाम जो कर्मचारी हैं उनको निर्देश दिए गए कि सुचारू रूप से यहाँ पे मतगणना को सुबह 8 बजे से चलाया जाए। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।